चौथी बेल राजा। मेरा दिमाग खराब मत कर। दिमाग खराब हो रहा है। चौथी पास राजा। कंट्रोल। चौथी पास राजा ने सबको जेल में डालना चालू कर दिया। कंट्रोल। दोस्तों, जब से केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं तब से सोशल मीडिया पे एक ही चुटकुला चल रहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी जो बार बार मोदी जी को ट्रॉल कर रहे थे चौथी पास राजा कहकर, उसको लेकर बेचारे मोदी जी काफ़ी हट हुए हैं, काफ़ी दिल दुखा है उनका। इसीलिए ईडी को लेकर वो केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं कि भाई कैसे भी करके इसको अरेस्ट करना है और इसको रोकना है, वरना ये चौथी पास राजा बोल के पूरे देश में बदनाम कर देगा। इस तरह के चुटकुले सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी के फैंस का कहना है कि भाई हमारे नेता की क्या गलती है, वो तो मोदी जी ने खुद बोला था। भाइयों बहनों, मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। भाइयों बहनों, मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, ये तो खुद मोदी जी ने बोला था। भाई जिस व्यक्ति को A+B² का फार्मूला ना आता हो, जो व्यक्ति चाइना में जाके स्ट्रेंथ की रॉन्ग स्पेलिंग बोल के पूरे देश की फर्जीहत करा के आता हो, उसको चौथी पास राजा नहीं तो फिर क्या बोला जाए, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के फैंस का। भैया मोदी जी चाहे जितना भी केजरीवाल के पीछे पड़ जाएं, लेकिन इनके कार्यकर्ता अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। वैसे तो केजरीवाल जी बेहतर तरीके से चौथी पास राजा कहते थे, अब इनके कार्यकर्ता तो मोदी जी को चौथी फेल राजा बोल रहे हैं। ये कोई शराब घोटाला, कोई और कोई घोटाला, कोई ये कोई केस नहीं है। केस क्या है? केस ये है कि अरविंद केजरीवाल ने एक चौथी फेल राजा को बोला कि तुम चौथी फेल राजा हो। रुको जरा, सबर करो। पहले गैस 400 रुपए सिलेंडर होती थी, चौथी पास राजा के आने के बाद 1100 रुपए सिलेंडर हो गई। कंट्रोल। पहले पेट्रोल 71 रुपए होता था, 97 रुपए हो गया। पहले डीजल 57 रुपए होता था, 90 रुपए लीटर हो गया। जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, तो सारी चीजों के दाम बढ़ गए देश के अंदर, हाहाकार मच गया। दूध पहले 46 रुपए होता था, 66 रुपए लीटर हो गया। बच्चों को माए दूध पिलाने लायक नहीं बची, घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के दूध छीन लिए इसने राजा ने। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर होता था, 214 रुपए हो। लोग उसके खिलाफ बोलने लगे तो राजा ने कह दिया, जो मेरे खिलाफ बोलेगा पकड़ के जेल में डाल दूंगा। एक के बाद एक राजा ने लोगों को पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। किसी ने राजा का कार्टून बना लिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी ने राजा का नाम गलत ले दिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी टीवी चैनल वाले ने राजा के खिलाफ लिख दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। किसी जज ने राजा के खिलाफ कोई ऑर्डर कर दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। ना जजों को छोड़ा, ना पत्रकारों को छोड़ा, ना मीडिया को छोड़ा, ना व्यापारियों को छोड़ा, ना उद्योगपतियों को, किसी को नहीं छोड़ा राजा ने पकड़ के। उसने चौथी पास राजा ने सबको जेल में डालना चालू कर दिया। कंट्रोल। चौथी पास राजा ने सबको जेल में डालना चालू कर दिया। चौथी पास राजा।